हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको फिर से एक और इंट्रो क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर मैं आ गया हूँ गाइन मास्टर में। अब आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है और 16:9 रेशियो में सिलेक्शन करके आपको यहाँ पर मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किया है। तो ये वाला जो देख सकते हैं लाइटिंग वाला वीडियो, इसमें हमको साउंड इफेक्ट पहले से ही देखने मिल जाएगा। तो अलग से साउंड लगाने की कोई भी यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आप अपनी फ़ोटो को भी ऐड कर सकते हैं या फिर लेयर पर जाकर के मीडिया से आप अपने चैनल के लोगों को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल के लोगों को ऐड कर दिया है। ऐड कर देने के बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है एंड यहाँ पर आपको पॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और टाइमिंग इसकी आपको 0.5 सेकेंड से थोड़ी सी कम रख देनी है। अब इस लोगो को आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसकी ब्लेंडिंग को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं या फिर आप ऑन नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, ब्लेंडिंग से ज़्यादा कुछ यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम यहाँ से ऑन नहीं करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये अच्छे से यहाँ पर हमारा मैच हो चुका है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपका लोगो पॉप करने वाला है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस तरह का इंट्रो क्रिएट कर सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है, फालतू पार्ट है, उसको आपको ट्रिम टू लैपटॉप सॉरी राइट टॉप पे ऐड करके इस तरह से कटिंग कर देना है। कर देने के बाद इस इंट्रो को सेव एंड शेयर करने के लिए आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। रेजुलेशन सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे और जाते जाते आप इसका फुल प्रीव्यू चेक करो प्लीज़।